प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 में से एक विषय लेकर आई हूँ कि कैन की पत्नी कौन, जिसे आज सभी जानना चाहते हैं कि कैन की पत्नी कौन थी। तो चलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में जब आदम और हव्वा की सृष्टि की गई, तब सर्वप्रथम उनकी संतान के रूप में 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कैन और हाबिल, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कैन ने अपने भाई हाबिल की ईर्ष्या और जलन में आकर हत्या कर दी। कैन तथा हाबिल की संपूर्ण कहानी को देखने के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल है कैन और हाबिल। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। परंतु आज का हमारा विषय है कि कैन की पत्नी कौन, जिसके विषय बहुत से मसीह भाई बहन व अन्य जाति आज चर्चा करते हैं तथा जानना चाहते हैं कि कैन की पत्नी कौन थी। हालांकि मैं कहना चाहूंगी कि हमें बाइबल के विशेष तथ्यों को समझना आवश्यक है, जो प्रभु यीशु हमें एक सच्चे मसीह जीवन के विषय सिखाते हैं, जिसके आधार पर ही हमारा न्याय भी होगा, ना कि इस आधार पर कि कैन की पत्नी कौन थी। फिर भी कुछ मसीह विरोधियों ने बहुत बार इन विषयों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, इसीलिए आज प्रभु की अगुवाई में हम इस टॉपिक को शेयर कर रहे हैं, जिससे हमें भी और अविश्वासियों को भी प्रभु इसका उत्तर दे सके। आज भी बहुत से लोग बाइबल में केवल ऐसे ही तथ्यों को खोजते हैं जिसका उद्देश्य केवल बहस होता है और कुछ नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल दर्शाती है कि जब आदम व हव्वा ने पाप किया, तब उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। तब उनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, कैन और हाबिल। और जब कैन ने जलन और ईर्ष्या के कारण हाबिल को मार दिया, तब परमेश्वर ने कैन से कहा, उत्पत्ति 4:12 में, कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा, अर्थात भटकने वाला। और आगे हम देखते हैं कि फिर कैन डरने लगा, यह कहकर कि अब मैं भगोड़ा कहलाऊंगा तो सब मुझे मार डालेंगे। कौन है वह सब, यह जानना आवश्यक है। तब तक तो कोई पृथ्वी पर नहीं था, इसे अभी हम समझेंगे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जा कर बसने लगा, जो अदन की पूर्व की ओर है, अर्थात नोद में वह भटकने लगा। तब वह भटकने वाली भूमि भी कहलाई। अब आगे उत्पत्ति अध्याय 4:17 में यह दर्शाया गया है कि जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। और फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। इसके आगे की वर्सेस में कैन की वंशावली ही दर्शाई गई है। अब इस वचन पर विवाद उत्पन्न होता है कि जब कैन नोद नामक देश में भटकता रहा, तब वहां उसकी पत्नी कहां से आ गई। मेरे प्रियो, जरा समझे इसे कि बाइबल की पुस्तक में 4000 साल का इतिहास दर्ज है, जिसका संक्षिप्त विवरण बाइबल में स्पष्ट किया है। यदि सब बातों की पूरी डिटेल दी जाए तो हम और आप यह पुस्तक पढ़ भी ना पाए। तो जाहिर सी बात है, कुछ बातों का वर्णन हमें विद्वानों के आधार पर लगाना होगा। परमेश्वर ने महत्वपूर्ण तथ्यों को बाइबल में स्पष्ट किया है, जो मनुष्य के जीवन के लिए सीखनी आवश्यक है। परंतु फिर भी हम मनुष्य बाइबल में से उन तथ्यों को ढूंढ ढूंढ कर खोजते हैं, जिससे हमारे उद्धार व न्याय का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। उनमें से ही एक विषय है कि कैन की पत्नी कौन थी। अब ध्यान दे यहाँ कि जब कैन ने हाबिल की हत्या की, तो यह स्वाभाविक है कि उनकी उम्र कुछ बड़ी व समझदारी की ही रही होगी। यह हमारा अंदाजा है, क्योंकि बाइबल में उनकी उम्र दर्शाई नहीं गई। और जब आदम और हव्वा ने कैन और हाबिल को जन्म दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके बाद उनकी और कोई संतान ही नहीं उत्पन्न हुई। जब आज के समय में 2 से अधिक संतान पैदा की जाती हैं, तो तब तो मनुष्य की उम्र भी ज्यादा होती थी और तंदुरुस्ती भी, तो स्वाभाविक है कि आदम और हव्वा की और भी संतानें उत्पन्न हुई होंगी।
जिसका जिक्र भी बाइबल में किया गया है। और अगर और एक एक बिंदु का भी उल्लेख बाइबल में किया जाता तो मैं समझती हूँ शायद यह पुस्तक संसार भर में समाती भी नहीं। इसीलिए केवल कुछ विशेष तथ्य ही परमेश्वर ने बाइबल में स्पष्ट किए हैं। वैसे भी बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह आशीष दी कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, तो स्वाभाविक है कि आदम की और भी संतानें उत्पन्न हुई। अब आप देखें उत्पत्ति अध्याय 5 के वचन 4 में लिखा है कि शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। शेत आदम का एक अन्य बेटा था। तो देखा आपने कि आदम के कैन और हाबिल के अलावा और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई थी। तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी पर कैन के अलावा और भी बेटियां थीं। अब पहले कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह भी हो जाता था। जब आदम की उम्र 930 वर्ष की थी तब तक तो उसके बेटे और बेटियों के भी विवाह हो गए होंगे तथा उनके पुत्र और पुत्रियां भी उत्पन्न हो गए होंगे, क्योंकि तब मनुष्य की उम्र अधिक थी। तो जाहिर सी बात है कि जब कैन भगोड़ा होकर भटक रहा था तभी उसने इसलिए कहा यहोवा परमेश्वर से कि मैं भटकूंगा भगोड़ा बनकर तो कोई भी मुझे मार डालेगा। और यहोवा ने फिर दया कर कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया था कि कोई उसे ना मारे। यह एक अलग विषय है। जिससे कैन डर रहा था वह यही आदम की अन्य वंशावली से जन्मी संतानें व उनकी संतानें थीं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैन की पत्नी कहां से आई होगी। तो समझे कि कैन जब यहोवा के विद्रोही होकर नोत नामक देश में भटक रहा था तब आदम व हव्वा की और भी संतानें उत्पन्न हुई तथा उनकी भी संतानें अर्थात नाती पोते परपोते इत्यादि। उनमें से जो शेत से उत्पन्न हुए थे वे सब यहोवा को मानते थे। तो आप जरा सोचें कि आदम और हव्वा की जो अन्य संतानें उत्पन्न हुई तथा उनसे भी और संतानें उत्पन्न हुई तो वे सब कहां से आए, अर्थात उनकी पीढ़ियां फिर कैसे आगे बढ़ी। स्वाभाविक है जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब पहला मनुष्य आदम ही था तथा आदम की ही पसली से फिर परमेश्वर ने हव्वा की सृष्टि की थी। परंतु जब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि पृथ्वी पर फैल जाओ तो परमेश्वर को ज्ञात था कि इन्हीं की संतानें आगे चलकर विवाह कर पृथ्वी पर जीवन का निर्माण करेंगी। तब यहोवा की दृष्टि में वह पाप नहीं वरन सृष्टि की मनुष्य जाति के निर्माण का ही एक हिस्सा था, जो कि तभी संभव होता जब वे आपस में विवाह कर संतान की उत्पत्ति करते, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर और लोग नहीं थे। परंतु जब शेत जो आदम और हव्वा का ही एक पुत्र था वह यहोवा को मानता था, जिसकी पीढ़ी से फिर नूह उत्पन्न हुआ। नूह के समय से पहले यहोवा के द्वारा आशीष थी आदम व हव्वा को सृष्टि पर फैल जाओ फूलो फलो। तो स्वाभाविक है कि उनकी पीढ़ियों ने ही आदम की वंशावली को आप ही विवाह करके बढ़ाया। परंतु नूह के समय में आई जल प्रलय में नूह को व उसके परिवार को छोड़कर सभी समाप्त हो गए थे। तब एक नई पीढ़ी की एक धर्मी पीढ़ी की शुरुआत हुई। फिर उसमें एक ही माता पिता के बच्चों को विवाह कर पीढ़ी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह जल प्रलय से पहले की बात थी जब कैन की पत्नी भी उसे मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नूहा के बाद अच्छी वंशावली जो मसीहा तक जाती है जल प्रलय के बाद चलती रही, परंतु जल प्रलय से पहले इसी प्रकार की वंशावली थी। तब परमेश्वर ने ऐसा अलाउ किया था। जल प्रलय से पहले निकटतम कुटुंबियों की विवाह की अनुमति परमेश्वर ने दे रखी थी। यह सब मूसा के आने तक चलता रहा। परंतु मूसा के समय में जब मनुष्य की आयु घटती गई तब साइंटिफिकली रीजन से भी यह व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती गई। लय व्यवस्था तक परमेश्वर ने इसे पूर्ण रीति से समाप्त कर दिया था, क्योंकि तब मनुष्य में हर तरह का पाप बढ़ता चला गया, जैसा कि सदोम और अमोरा के विषय आप सभी जानते भी हैं। इसी कारण मनुष्य की आयु घटती गई और फिर जेनेटिक कर्स शुरू हो गया। तभी परमेश्वर ने यह रीति समाप्त की जो आदम से शुरू हुई थी। तब उसमें कोई खोट नहीं था, क्योंकि इसी तरह पृथ्वी में मनुष्य जाति का निर्माण बढ़ना भी था। अब जो कहता है कि कैन की पत्नी कहाँ से आई वह समझ सकता है इन आयतों से कि कैन की पत्नी आदम की अन्य वंशावली से उत्पन्न संतानों में से ही आई।
जो आगे चलकर कैन को मिली। आदम की और वंशावली जो कैन और हाबिल के अलावा भी उत्पन्न हुई, उसी में से कैन को उसकी पत्नी मिली। परंतु आज की अवस्था में ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए, यह लैव अवस्था पर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कैन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली। मेरे प्रियो, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी हम सभी विश्वासी भाई बहनों से कि हमें बाइबल के विरोधाभास में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल अपने उद्धारकर्ता सच्चे व जीवित प्रभु यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है व उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर हम विरोधाभास में फंसे रहेंगे तो यह हमारा न्याय के दिन उद्धार नहीं करेगा। हाँ, सही है, कुछ हद तक हमें जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ मसीह विरोधी हमेशा इन विषयों की चर्चा करते हैं। परंतु केवल इसी में हमें उलझकर नहीं रहना, यह तो मसीह विरोधियों का ही काम है, हमारा नहीं। हमें अपने प्रभु यीशु के पीछे चलना है, जो नए नियम में आकर हमारे लिए बलिदान हुआ। फिर भी मैं समझती हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि कैन की पत्नी कहाँ से आई। जल पड़ने से पहले की वंशावली इसी प्रकार उत्पन्न हुई थी और आदम के कैन और हाबिल से अलग भी पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए, जिसका वर्णन आदम के पुत्र शैत की वंशावली में भी किया जा चुका है, जो कि यहोवा को मानने वाली पीढ़ी बनी यहूदी समाज की। तब वे एक दूसरे को भाई बहन करके नहीं वरन स्त्री पुरुष करके ही देखते थे, क्योंकि सृष्टि का पहला आदम पुरुष तथा दूसरी स्त्री हव्वा बनी थी, उसी को उनकी संतान समझती थी स्त्री पुरुष के रूप में। इसलिए उन्हें विवाह करना अलाउ भी था, क्योंकि उसी से मनुष्य जाति आगे बढ़ी। कैन ने भी अपनी किसी कुटुंबनी से ही विवाह किया था, परंतु लैव अवस्था में इसकी समाप्ति हो चुकी थी, यह सदा ध्यान रखें। कैन की पत्नी भी उसकी कोई कुटुंबनी ही थी, परंतु कैन की वंशावली एक दुष्ट वंशावली थी, और जो आदम के बेटे शेत से उत्पन्न हुई वंशावली थी वह यहूदी वंशावली थी जो यहोवा को मानने वाली थी। तो हमें कैन की वंशावली की ओर नहीं वरन शैत की वंशावली की ओर ध्यान देना चाहिए, जो एक यहोवा जाति थी और जो मसीह तक पहुंची। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैन की पत्नी कहाँ से आई। परंतु ध्यान दें कि लैव अवस्था में, कुटुंबनियों में और भाई बहनों में विवाह की व्यवस्था परमेश्वर ने तभी समाप्त कर दी थी। अब ऐसा विवाह पाप कहलाता है, परंतु उस समय सृष्टि के निर्माण के लिए यह अनिवार्य था कि वही संतानें आपस में विवाह कर मनुष्य जाति को बढ़ाएं। तो आप ध्यान रखें कि ये अब लागू नहीं है, ये तब था पुराने नियम में। हालेलुया। आशा करती हूँ इन आयतों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।